वीर बलवंत सिंह जी भीखी ते साडे सरपंच साहिबान गविंदर सिंह राजू ते साडे नाल पंचायत मैंबर गुरकीरत सिंह गोगा ते होर साडे इत्थों बहुत ही पतवंत मैंबर साहिबान ते साडे मास्टर जी सरदार अवतार सिंह जी तारी जो कि काफ़ी लंबे समय तो इस ग्राउंड के नाल जुड़ के तुहानू सेवावां दे रहे हैं ते पिछले समय के दौरान जिस तरह देख रहे हैं उसके रिजल्ट भी प्राप्त हो रहे हैं। एक बहुत ही चंगी गल है साडे नगर वास्ते ते साडे नेड़े नेड़े दे जिहड़े पिंडां दे खिडारी इत्थे आउंदे आ तैयारी करन आउंदे आ उहनां वास्ते, क्योंकि जो हुण युग है उस दे विच साडे जो मध्यवर्गी परिवार ने जां गरीब परिवार ने उहनां दे लई दो ही नौकरियां सानूं ज्यादा सामने दिसदियां ने, जिस दे विच साडा कि असी मेहनत करके थोड़ा बहुत फौ पै जांदा है वह है सिर्फ फौज ते पुलिस जां जे कोई जेल वार्डर की भर्ती होगी जां कोई CRPF की, कहने का मतलब जिहड़ियां फोर्स दी भर्तियां ने उस दे विच साडे जिहड़े बच्चे है वह अपनी मेहनत करते हैं ते वह भविख दे विच कामयाब भी हुंदे आ। इत्थे मैं तुहानू बेनती भी करूँगा कि जिस तरह अवतार सिंह बिना किसी लालच तो एक सेवा हैगी, क्योंकि जो असी कोई स्कूल के काम करते हैं तो असी अपना जो काम है वो ड्यूटी है तनखा दे करते हैं क्योंकि उस तनखा मिलती है, पर जो स्कूल टाइम तो बाद जो कोई अध्यापक टाइम ला रहा है या जिस तरह अवतार सिंह किसी ग्राउंड के नाल जुड़े हुए है तो साढ़े जेडे विद्यार्थी है खिडारी है वह इतने तैयारी कर आते हैं अपने भविख वास्ते, तो यह एक सेवा है। एक कार्य बहुत बड़ा है जिस दे नाल एक तो सेहत फिट रहती है, दूजा तुहाडी एनर्जी पॉजिटिव तौर पर बेस्ट होंदी है ते नाल ही तुहाडी जिहड़ी सेहत है सेहत दे नाल नाल जो कि कोई भर्ती आती है तो उस दे विच तुहानू रुजगार मिल जाता है, तो वह एक तुहाडे वास्ते तुहाडे परिवार वास्ते एक बहुत ही अच्छी गल हो जाती है, क्योंकि एक परिवार के विचों जे एक मैंबर परिवार का नौकरी पर लग जाए